हेलो फ्रेंड्स, खुशी ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आपके लिए गोभी मंचूरियन, और वो भी बिना अरारोट के। तो देखिए, उसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये गोभी को अच्छी तरह से शार्प करके कद्दूकस किया हुआ है, और ये हरे धनिया की पत्ती को कट कर लिया है, और ये ग्रीन चिल्ली को कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम गोभी मंचूरियन बनाने के लिए की बॉल बनाने के लिए रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमने एक बाउल लिया है, और अब हम सॉरी कटोरा लिया है बड़ा। अब हम इसमें ये गोभी ऐड कर रहे हैं। और इसमें से थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी हरी मिर्च, और साथ ही इसमें हम ये मैदा लिया है। दो इसमें मैदा हम 2-3 चम्मच ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करनी है। अब इसमें देखिए थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेते हैं। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आपका बॉल बनाने का ये बैटर पतला लगे तो इसमें और थोड़ा आटा या मैदा मिला सकते हैं, बाकी मेरा तो बिल्कुल ठीक बना है। आप देख रहे होंगे कि इस टाइप से। तो देखिए, अब हम इनकी छोटी छोटी इस तरह से बॉल रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इनकी सभी की साथ ही बॉल रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने सभी मंचूरियन के लिए बॉल रेडी कर ली इस टाइप से, और इधर मैंने अपनी गैस को गर्म कर किया हुआ है, इसमें तेल डाल के। तो अब मैं इन बॉलों को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत देखा होगा आपने कि मतलब मंचूरियन बनाने से लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी लगेगी, बहुत टाइम लगेगा मंचूरियन बनाने में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसको बहुत इजी तरीके से बनाया, और इसे नॉर्मल कोई छोटा बच्चा भी इस वीडियो को देख के मंचूरियन की रेसिपी को बना सकता है। और ये बहुत ही इजी रेसिपी और टेस्टी रेसिपी है, और इसे बड़े से लेके बच्चों तक सभी खाना बहुत पसंद करेंगे। कई बार हम अरारोट ऐड करते हैं, तो उसमें क्या है, जो ग्रेवी होती है हमारे मंचूरियन की, वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, और वह खाने में भी कम पसंद आती है लोगों को। तो मैंने बिना अरारोट के इसको रेडी किया है, और देखिए अब मैं इसको किस तरह से बनाऊंगी, ये तो आपको मेरा पूरा वीडियो देखने को ही पता चलेगा। अब मैं पहले अपनी बॉलों को अच्छी तरह से ब्राउन होने देती हूँ, और इन्हें अच्छी ब्राउन करके पहले इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। आप देख रहे होंगे मेरी बॉलें सिक रही हैं। तो देखिए, मैंने बॉल रेडी कर ली है, आप देख रहे हैं बॉल रेडी हो चुकी है। इधर अब हम इसमें ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो मेरा ये ऑयल है, अब इसमें मैं थोड़ा ये जीरा ऐड कर रही हूँ। और ये थोड़ी हींग ऐड कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें ग्रेवी रेडी करनी है, तो उसके लिए हमें ये ऐड करना पड़ेगा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब आप देख रहे होंगे मेरी ग्रेवी का कलर रेडी है। अब हम इसी में साथ में ये 2 टीस्पून ग्रीन सॉस डाल रहे हैं।
और ये वन टीस्पून चीनी है और ये वन टीस्पून सोया सॉस है। चाटी अब हम इसे मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरी ये मंचूरियन के लिए ग्रेवी रेडी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये मैंने आधा गिलास पानी लिया है आप, और इसे हम थोड़ा पकने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे हमारी ग्रेवी रेडी हो जाए मंचूरियन की। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कितनी एकदम से अच्छी मतलब हमारी ग्रेवी बन के रेडी हुई है, आप देख रहे होंगे मंचूरियन के लिए। अब हम इसमें साथ ही है हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। और साथ ही ये इसमें बॉल ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमारी गर्मा गर्म मंचूरियन बन के रेडी है। आप देख रहे हो फ्रेंड्स कितनी प्यारी मंचूरियन बनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी वाली गोभी मंचूरियन बन के रेडी है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे ग्रेवी भी एकदम से कितनी अच्छी रेडी हुई है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी इसे बना के ट्राई जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने गोभी मंचूरियन को रेडी किया है।